स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो एसएमई आईपीओ है, उस आईपीओ में एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस प्रकार से आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं सीधे ही NJ1 के प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर सीखेंगे कि हम UPI मोड का यूज़ करके हम किसी भी आईपीओ में कैसे एप्लीकेशन लगाएं। तो आपको यहाँ पे साइड में विंडो देखने को मिलेंगी, यहाँ पे हमने NJ1 की विंडो लगाई हुई है जो है कि NJ1 एप्लीकेशन की है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज में आपको यहाँ पे एक आईपीओ का सेगमेंट देखने को मिलता है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो अभी आईपीओ आए हुए हैं और जो आने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो आईपीओ आया हुआ है इसका नाम है यहाँ पे कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड का ये आईपीओ आया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यह आईपीओ में अभी एप्लीकेशन लगाने के 4 दिनों का समय बचा हुआ है, मतलब कि अगर इसमें आईपीओ लगाना है तो 4 दिनों तक हम यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के बारे में हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 लॉट के लिए। तो यहाँ देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पे सिंगल लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पे 1,23,200 रुपीज़ हमें लगेगा, और यहाँ 1 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो 1 लॉट में यहाँ पे आते हैं 1,600 शेयर्स आते हैं, और जिसके लिए जो प्राइस बैंड सेट किया गया है ये 77 रुपये पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड सेट किया गया है। अगर अधिकतम लॉट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लगाना है तो 4 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जहाँ पे 6,400 शेयर्स के लिए हम यहाँ पे एक बार में ऑर्डर लगा सकते हैं, और यहाँ से जो हमें अमाउंट लगने वाला है ये 4,92,800 हमें अपने सेविंग अकाउंट पर रखना होगा। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी जो है 24.98 करोड़ रुपये जुटा रही है। अब देखते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नंबर, तो आज इस आईपीओ का पहला दिन था और पहले दिन ये आईपीओ है ये 0.97 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आईपीओ कब से खुला है, कब बंद होगा, इसका अलॉटमेंट कब मिलेगा, लिस्टिंग कब होंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आईपीओ 6 अक्टूबर मतलब कि आज से ओपन हुआ है। इस आईपीओ का ऑफर जो है ये 10 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है ये 18 अक्टूबर को कर दी होंगी। और यहाँ पे अगर हम आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने के लिए ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगल लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ, 1 लॉट एंटर करूँगा और इसमें 1,600 शेयर्स के लिए एक बार में ऑर्डर लगेगा। प्राइस बैंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इन्वेस्टर टाइप में भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अपने यहाँ पे UPI ID, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी यूज़ करते हैं वो मेंशन करना है। इसके बाद अकाउंट नंबर ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और नीचे में आपको जो अमाउंट देखने को मिलता है 1,23,200 ये हमें सेविंग अकाउंट में रखना होता है, क्योंकि हमारा जो फंड है सेविंग अकाउंट से ही ब्लॉक होता है। इसके बाद अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2 बटन आती है, कैंसिल एंड प्रोसीड। प्रोसीड करके हम स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब हमने यहाँ पे जो UPI ID दिया हुआ है उसके ऊपर एक अप्रूवल लिंक जाता है, उस लिंक के ऊपर हमें क्लिक करना होता है, पिन नंबर मेंशन करना होता है और वहाँ ओके करना होता है। इतनी प्रोसेस करने के बाद हमारा आईपीओ में एप्लीकेशन सफलतापूर्वक लग जाता है। अगर हमें आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो हमारा जो सेविंग अकाउंट में फंड रखा हुआ है वो वहाँ से डिडक्ट होकर हमें उसके शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हमें आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो हमारा फंड ब्लॉक हुआ था ये हमारे सेविंग अकाउंट में अलॉटमेंट के दिन या उसके अगले दिन रिलीव कर दिया जाता है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप NJ1 एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, ट्रेडबडी पे आप हो तो आप ट्रेडबडी में आप हमें स्टॉकबिज़ को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें कि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।